मुंगराबासापुर गोरैयाडीह स्थित दौलतिया मंदिर पर स्थित दुकानदारों द्वारा मिलावटी सामान बेचने की शिकायत पर मंगलवार को फूड इंस्पेक्टर तुलिका शर्मा मौके पर पहुंची। उनके पहुंचते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। फूड इंस्पेक्टर जौनपुर तुलिका शर्मा ने टीम के साथ पहुंचकर सभी दुकानदारों को सचेत किया कि वे मंदिर परिसर में दुकान लगाने के लिए सबसे पहले अपने दुकान को पंजीकृत कराएं। खाद्य सामग्री को ढक कर रखे 100% खाद्य सामग्री में शुद्धता होनी चाहिए। अगले सप्ताह मंगलवार के दिन टीम पहुंचकर सभी दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन करेगी। मंदिर परिसर में आइसक्रीम, खोमचा और अन्य खाद्य सामग्री बेच रहे सभी दुकानदारों को सचेत किया। कहा कि जिन दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वह मंदिर परिसर में खाद्य सामग्री नहीं बेच सकेंगे। समय समय पर गुणवत्ता की जाँच होगी, दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। इस बाबत फूड इंस्पेक्टर तुलिका शर्मा ने बताया कि व्यापार मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता के आग्रह पर आज दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यदि अब रजिस्ट्रेशन व सामग्रियों में गुणवत्ता नहीं पाई गई तो कार्रवाई अवश्य की जाएगी। देखिए मुंगराबासापुर से विकी कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।